नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं फिक्रों नज़र पर खबरनामा। आइए उनकी तमाम बड़ी खबरों पर नज़र डालते हैं। कांग्रेस पार्टी के साबिक सदर राहुल गांधी ने कहा है कि अगर गुजरात में पार्टी की हुकूमत बनती है तो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को मुस्तकिल करते हुए पेंशन स्कीम को नाफिज किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस हुकूमत ने राजस्थान में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वालों को मुस्तकिल मुलाजिमतें दी है, पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल किया है और मुलाजिमतों को वक्त पर तरक्की दी है और अब यही स्कीम गुजरात में भी लागू की जाएगी। तेलंगाना में रुकने असेंबली को खरीदने की कोशिश करने के मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो कोर्ट ने 3 मुलजिमीन को 14 दिन के लिए जुडिशियल रिमांड पर भेज दिया है। MIM के रुकने पार्लियमान इम्तियाज जलील का कहना है कि अरविंद केजरीवाल भी संघी ज़हनियत रखते हैं और वो RSS की टोली के ही एक फर्द हैं। केजरीवाल ने मुल्क की नोटों पर हिंदू देवताओं की तस्वीर लगाने की बात कही थी। दारुलहुकूमत दिल्ली में रियासती जबर के खिलाफ मुहिम के हवाले से मुनक़िद प्रेस कॉन्फ्रेंस में 3 दर्जनों से ज्यादा तंजीमों ने शिरकत की। इस दौरान माहिरीन तालीम कारकुनान ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि मुल्क के बेहतरीन लोग आज जेल में हैं। आलमी शोहरत याफ्ता इस्लामी तालीमी इदारा दारुलूम देवबंद में इतवार को मदरसा मुंतजमीन की एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। राबता मदारिस की इस कॉन्फ्रेंस में मदारिस को किसी भी बोर्ड के साथ मुंसलिक करने की मुखालिफत की गई। इस दौरान जमीयत के सदर मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि दुनिया का कोई भी बोर्ड मदारिस के क़याम का मकसद नहीं समझ सकता, इसलिए किसी बोर्ड में शामिल होने का कोई फ़ायदा नहीं। उन्होंने वाज़ह किया कि मदारिस को किसी हुकूमती मदद की ज़रूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी के साबिक सदर राहुल गांधी ने हफ्ते के रोज़ टेस्ला के मालिक एलोन मस्क को ट्विटर की बागडोर संभालने पर मुबारकबाद दी और उन्हें जाहिर की कि सोशल मीडिया का ये अहम प्लेटफॉर्म नफरत अंगेज बयानबाजी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। इराक दारुलहुकूमत बगदाद में एक टैंकर ट्रक में धमाका होने से कम अज़ कम 8 अफराद हलाक जबकि 18 दीगर जख्मी हुए हैं। इराक सिक्योरिटी ज़राए ने ये इत्तला दी। भारत ने हफ्ते को ईरान के शहर शिराज में शाह चिराग के दरगाह पर दहशतगर्दाना हमले की सख्त मजम्मत की है। इस हमले में कम अज़ कम 15 अफराद हलाक और 40 दीगर जख्मी हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया की मेज़बानी में होने वाले T20 वर्ल्ड कप 2022 में बांग्लादेश और जिम्बाब्वे के दरमियान खेले जाने वाला मैच इंतहाई सनसनीखेज रहा। आखिरी गेंद पर ड्रामाई मोड़ आया लेकिन आखिरकार बांग्लादेश ने 3 रन से जीत गया। दरअसल जिम्बाब्वे की टीम को मैच में आखिरी गेंद पर 5 रन दरकार थे जो वो नहीं बना सके। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ 31 अक्टूबर को इकाना स्टेडियम में सरदार पटेल नेशनल दिव्यांग कप T20 के दूसरे सीजन का इफ्तिताह करेंगे। नाज़रीन आज के खबरनामा में इतना ही, फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया।